ये सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन से आई है। ये काम तो कर रहा है, परंतु काम करते करते उसको सम्मान भी देना है। कितना बारीकी से ध्यान करते हैं। हमने ये भी देखा, कहीं ना कहीं किसी स्टेट के अंदर जाना होता था, पिछले दिनों कुछ अवार्ड्स दिए गए, जब ये 2014 के बाद अवार्ड देने की बात आई, तो उन्होंने देखा कि एक श्रमिक असम के चाय बगानों के अंदर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और जो उसके अंदर एक प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को लेकर के वो वहां पर नई नई चीजों को आगे बढ़ाने का काम उसके अंदर कर रहा है। परंतु अगर किसी की नजर वहां डली है कि एक श्रमिक चाय के बगान में काम कर रहा है और उस श्रमिक को वहां से उठा करके पद्मश्री का अवार्ड दे दिया जाए, तो उसको कैसा महसूस होता है? यही ट्रांसपेरेंसी है कि एक गरीब व्यक्ति जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं, कोई सोच नहीं सकता, कोई विचार नहीं कर सकता, परंतु उसके बारे में विचार किया गया, उसको वहां से बुला करके उसको अवार्ड दिया गया। हम भी कई बार सोचते हैं, कई बार इस प्रकार की बातें आती हैं। हमने हरियाणा के अंदर जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए, मैं भी जब पिछली बार विधायक बना, पहली बार विधायक बना था 2014 में, मैं आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ मंत्रिमंडल में मंत्री भी था। होता है हमारे पास भी हल्के से दबाव आता है कि भाई आप विधायक बन गए हैं, अब हमारा कुछ ख्याल करिए। कुछ कार्यकर्ता भी होते हैं जो साथ लगे होते हैं, खूब दबाव होता है। और मैं पर्ची लेकर के, जैसा सिस्टम था, मैं मनोहर लाल जी पे गया, मगा जी काफी दबाव है और ये बच्चे रजिस्टर करने हैं, कहा इसको जेब में पालो। मेरे को कहने लगे कि इसको जेब में पालो। एक बात कही उन्होंने, मैंने दोबारा, मैं ना गया ना मैंने कुछ बोला। पर्ची जरूर लोगों की पकड़ ली, परंतु किसी को क्या बताए, हम किसी को बता भी नहीं सकते। अगले बोलते हैं भाई तू विधायक है, मंत्री है, और मंत्रालय भी मेरे को ऐसा दे दिया, रोजगार मंत्रालय। भी तो रोजगार ही तने देना है। इस प्रकार की मेरे सामने स्थिति आकर के खड़ी हो गई। तो मनोहर जी ने कहा कि अगर तो सिस्टम ठीक करना है, फिर तो स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर सिस्टम को ठीक नहीं करना, जैसे चल रहा था वैसे चलने देना, फिर उनमें और हमारे में क्या अंतर है? निर्णय आपने करना है। तो मैं वो पर्चियां जेब में पैका वापिस। मैंने दोबारा कुछ नहीं बोला। आज उसका परिणाम ये निकला, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूमता हूं, आप भी जाते हैं, आपके सामने भी है, क्या आवाज आ रही है बिना पर्ची बिना खर्ची के? कल्पना से परे की बात है कि जो एचसीएसए का अधिकारी अगर कहीं रिश्तेदारी में होता था नजदीक की, वो लगता था आज एक गरीब मां का बेटा भी एचसीएस हरियाणा सरकार की नौकरी में लग रहा है, ये हमारे लिए बड़े सुखद की बात है, ये बड़ी सुखद की बात है।
मैंने कहा है कि मेरे परिवार की बैकग्राउंड ही कुछ नहीं थी। आप सबको मालूम होगा, आपको पता है मेरे नाम के बारे में कोई जानता नहीं था। मेरे परिवार में से कोई मेंबर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा और मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया। ये कोई सोच काम कर रही है ना पीछे, कहीं ना कहीं एक साधारण परिवार में से उठा करके व्यक्ति को उसका सम्मान दे देना। मुख्यमंत्री के लिए तो प्रधानमंत्री के परिवार में जन्म लेना पड़ा। लेना पड़ा या नहीं लेना पड़ा, या फिर मुख्यमंत्री के ही परिवार में जन्म लेना पड़े तब जाकर के सोच सकता है। परंतु ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम यहां नहीं, पूरे देश के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर मिला है। जो गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात यही है कि लोगों को जीवन को सरल किया जाए। कई बार कोई व्यक्ति काम के लिए जाता है, वो तो अधिकारी के पास इसीलिए जाता है कि भाई मुझे राहत मिलेगी और मुझे कुछ ना कुछ इसमें जो समस्या है इसका समाधान निकलेगा, क्योंकि समाधान आप लोगों ने निकालना है। और अगर वो समस्या उसके सामने और समस्या बन जाए तो कहेगा ये सिस्टम किस काम का है, इस सिस्टम का मैं क्या करूंगा। तो हमारा जो दायित्व है, क्योंकि सरकार ने जिस सोच के आधार के ऊपर, अभी मुझे ध्यान में है खुल्लर साहब के पूरा ध्यान में है, क्योंकि इनकी कलम से वो सारी बातें निकलती हैं। डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया दिया जाता था, एक डॉक्टर एडमिशन भी हो जाता था। गरीब का बच्चा तो अगर परसेंटेज भी ले लेता था वो भी डॉक्टर नहीं बन पाता था, कोई और बन जाते थे डॉक्टर। उसका पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक तय किया, और ये तय किया कि भाई मैनेजमेंट को भी अगर सीट देनी है तो उसके ऊपर भी कैप लगा दी। कैप लगा करके ये कहा कि जो हमारा नीट की परीक्षा है उसी में से ही जाएगा, वो भी अपनी तरफ से नहीं होगा कुछ भी।